नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं बायजूस एग्जाम प्रेप की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों सही प्रेप है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। बायजूस एग्जाम प्रेप द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम्स। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों देखिए, अभी तक हम लोगों ने 2020 और 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों 2018 का पेपर। तो देखते हैं दोस्तों एक एक करके प्रश्नों को किस प्रकार से हैं और क्यों हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये 2018 का पेपर है तो ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला प्रश्न देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों, तो कोई आपको आज तकलीफ नहीं होगी प्रश्न देखने में। द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन, यानी कि दोस्तों ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता आपको कहां पर मिलती है। देखिए जो ओजोन की परत है वो बेसिकली अगर ये पृथ्वी है और ये आपका क्षोभ मंडल है यानी कि ट्रोपोस्फियर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में आपको ओजोन मिलता है, तो उसका उत्तर होना चाहिए सी, उत्तर होना चाहिए स्ट्रेटोस्फियर। तो आप देखेंगे इसका उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों सी। उत्तर क्या है दोस्तों इसका, सी। तो आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद सॉइल, निम्न में से कौन मृदा से संबंधित है। इडैफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफी। वो सिंपल सा आंसर है दोस्तों, इडैफिक ए इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो आपकी बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है, जिस दिन उसको साइन किया गया था और वो था आपका 22 मई। तो 22 मई जो है दोस्तों वो उत्तर है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है भारत में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है दोस्तों उसे 2002 में इनैक्ट किया गया था, उसे 2002 में इनैक्ट किया गया था। भाई डाचीगाम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, आप सभी को पता होना चाहिए। जो डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, डाची यानी कि 10 गांव का नेशनल पार्क, ये दोस्तों बहुत फेमस है हंगुल यानी कि कश्मीरी स्टेट के लिए। तो आंसर होना चाहिए डी। ठीक है ना, एक तरह का हिरण होता है। अगला प्रश्न, इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी कि NCMB कहां पर लोकेटेड है मेरे प्यारे मित्रों। देखो सीधा आंसर है जामनगर, जो कि है गुजरात में। कहां पर, जामनगर गुजरात। भाई इनमें से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक रह सकता है, और सभी को आंसर पता होना चाहिए इसका, कैंगरू रैट। सालों में एक बार ये पानी पीता है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सातवां प्रश्न भाई, एंथ्रोपोजेनिक बायोम यानी कि ऐसा बायोम जो मानव जनित है, उसका उदाहरण क्या है। दोस्तों उसका उदाहरण है क्रॉपलैंड यानी कि खेत खलियान, है ना, फसली भूमि, यहाँ पे फसल उगती है। डी आंसर है। सीधे सीधे प्रश्न देखो भाई, प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष में लॉन्च हुआ था। दोस्तों 1973 में लॉन्च हुआ था, आंसर टी है। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इनैक्ट किया गया था, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नौवां प्रश्न, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, क्या इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार कितना परसेंटेज, कितना क्षेत्र मेरे प्यारे मित्रों भारत का जंगलों यानी कि वनों के अंतर्गत है, यानी कि इट कम्स अंडर दी फॉरेस्ट। और आंसर है दोस्तों सी, 21.54%। और इसको हमें बढ़ाना है कब, कितने में, 33% तक बढ़ाना है प्लेन क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, और 66% तक बढ़ाना है मेरे प्यारे मित्रों माउंटेनियस रीजन में, ठीक है, पहाड़ी एरियाओं में। दसवां प्रश्न भाई, इनमें से कौन सी कमेटी जो आप नीचे देख पा रहे हैं बीपीएल फैमिलीज के लिए, नगरीय क्षेत्रों में यानी कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर बीपीएल फैमिलीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाई गई थी। आंसर है दोस्तों हाशिम कमेटी। आंसर है हाशिम कमेटी को बनाया गया था बीपीएल फैमिलीज को आइडेंटिफाई करने के लिए अर्बन एरियाज। 11वां प्रश्न,
दोस्तों 2015-16 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था उसमें भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना था। देखो तो टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि ऑन एन एवरेज एक महिला कितने बच्चों को जन्मती है, कितने जन्म जनती है, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ चाइल्ड बॉर्न टू अ वुमेन। तो भारत का दोस्तों है 2.2, तो हम 2.1 पर पहुंचने वाले हैं, जो कि कल मैंने आपको बताया भी था वो एक रिप्लेसमेंट लेवल है। यानी कि अगर आपके देश का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी, लॉन्ग टर्म में वो कांस्टेंट हो जाएगी। दोस्तों स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इनमें से लखनऊ, इनमें से उत्तर प्रदेश की कौन से शहर को नहीं चुना गया, इनमें से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत नहीं चुना गया। उत्तर है सी गाजियाबाद। उत्तर है सी गाजियाबाद। 13वां प्रश्न, 5-ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना के ऊपर एक क्वेश्चन है दोस्तों। सस्टेनेबल ग्रोथ यानी कि मेरे प्यारे मित्रों संपोषणीय वृद्धि, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 12वें 5-ईयर प्लान 12वें पंचवर्षीय योजना में। 14वां प्रश्न, तो ग्राम पंचायत इनमें से कौन सा टैक्स लगा सकती है, कौन सा कर लगा सकती है। उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों सिर्फ लोकल अफेयर पे जो टैक्स लगता है, भाई इनकम टैक्स के लिए IRS ऑफिसर बैठे हैं, लैंड रेवेन्यू टैक्स जो लगता है वो MCD म्यूनिसिपैलिटी वगैरह जो होती है वो लगाती है मोस्टली, और जो सेल्स टैक्स होता है वो कस्टम्स वाले लगाते हैं, कस्टम्स कह रहा हूँ सॉरी, ये जो IRS होते हैं दूसरे वाले GST वाले, है ना आज के समय पे। तो आंसर है सी एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हो। दोस्तों सेक्स रेशियो में सबसे लोएस्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे हाईएस्ट कौन सी स्टेट है, हरियाणा। ये बात सभी को पता होना चाहिए, काफी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर हो रही है, लेकिन फिर भी जो सेक्स रेशियो है दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों वो काफी ज्यादा कम है, लिंग अनुपात काफी ज्यादा वहां पर कम है। भाई जो लॉरेंस कर्व है इकोनॉमी में वो आप देखते हैं, उससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं। लॉरेंस कर्व से मेरे प्यारे मित्रों आप जिनी कोफिशियंट डिराइव कर सकते हैं, जिससे आप इकोनॉमी में इन इक्वालिटी का पता लगा सकते हैं, किसका कितनी इन इक्वालिटी है, ठीक है ना। 17वां प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों, जो द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, भारत में लार्जेस्ट सबसे बड़ा रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कौन सा है, और इसका सबको आंसर पता होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। HDI सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस करी थी, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि इनमें से किसका परिणाम है। दोस्तों उत्तर है 1 और 2, क्रूड बर्थ रेट यानी कि कितने बर्थ रेट है और कितने डेथ रेट है, और कितने डेथ रेट हैं मेरे प्यारे मित्रों, आंसर होना चाहिए टी, ठीक है। नेचुरल की बात हो रही है तो माइग्रेशन जो है वो नेचुरल में नहीं आता, ये बात आपको याद रखनी है। 20वां प्रश्न, एट द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, दोस्तों किस नदी के मुहाने पे आपको बर्ड्स फुट यानी कि पक्षी के पंजे के प्रकार का डेल्टा मिलता है, और इसका बहुत ही सिंपल आंसर है मिसिसिपी। मिसिसिपी का जो डेल्टा है वो बिल्कुल बर्ड फुट है, यानी कि चिड़िया का जो पंजा है उसकी तरह देखने में लगता है। मैकमोहन लाइन सभी को पता होगा आज के टाइम पे, रिसेंट टाइम में भारत और चीन के बीच में है, तो इसको तो मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। इस प्रश्न को कहां पर है दोस्तों, कौन से सेक्टर में है, जी हाँ ये ईस्टर्न सेक्टर में, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में है बेसिकली। 22वां प्रश्न, भाई निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, भाई ब्लैक सॉइल इज लोकली कॉल्ड रेगूर सॉइल, पहली चीज, ठीक है भाई देख लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है भाई, ब्लैक कॉटन सॉइल को तो आप रेगूर सॉइल कहते हैं, जो गुजरात डेक्कन ट्रैप्स मालवा और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में मिलती है। अकॉर्डिंग टू क्रैप्स द रेगुलर रेगुर सॉइल इज एसेंशियली अ मैच्योर सॉइल, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, काफी अच्छी उस पर खेती बाड़ी हो सकती है आप
क्या कहते हैं, गन्ने से लेकर कॉटन तक, गेहूं तक, चावल तक इस पे उगा सकते हैं। और जो काली मिट्टी होती है मेरे प्यारे मित्रों, वो नमी को भी पकड़ के रखती है, उसकी मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी भी काफी अच्छी होती है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये हिमालयन बिजन में मिलती है, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। ये कहां पर मिलती है आपको बताया मैंने, महाराष्ट्र, मालवा, उज्जैन, इंदौर और गुजरात, और कुछ थोड़ा बहुत साउथ इंडिया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जो क्षेत्र है, थोड़ा बहुत तमिलनाडु में भी मिल जाती है। 23वां प्रश्न दोस्तों, IMD के हेडक्वार्टर्स हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कब कब ये बने थे आपको लगाना है। तो बहुत ही मुश्किल प्रश्न था, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, डी था। देखो सबसे पहले शिमला, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों पुणे, और उसके बाद दिल्ली। दिल्ली का जो IMD है वो सबसे नया है, ठीक है ना। शिमला, कोलकाता, पुणे और दिल्ली। 24वां प्रश्न भाई, भारत से अगर आप यूरोप को जाना है, मतलब यूरोप जाते हैं, तो दो रास्ते हैं। पहला, आप अफ्रीका को बाईपास करके स्विस कनाल से जा सकते हो। दूसरा, आप अफ्रीका गोल घूम के ऐसे जा सकते हो। तो स्विस कनाल की वजह से कितना रास्ता कम हुआ है दोस्तों? उत्तर है 7,000 किलोमीटर। यानी कि अगर आप स्विस कैनाल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 7,000 किलोमीटर की बचत होती है। यानी कि अगर आप आना जाना करते हैं तो इन टोटल 14,000 किलोमीटर की बचत होती है। भाई अरेंज द फॉलोइंग कॉफी प्रोडक्शन कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉफी प्रोडक्शन। यानी कि कॉफी जो काफी लोग पीते हैं मेरे प्यारे मित्रों, कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है और सबसे कम कहाँ? कि सभी देशों में कॉफी बहुत ज्यादा फेमस है मेरे प्यारे मित्रों। आंसर है बी। देखो ब्राजील बहुत बड़ा देश है, वहां पर प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो भी है जो कॉफी के लिए काफी फेमस है। तो ब्राजील में काफी ज्यादा कॉफी उगती है मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद वियतनाम की कॉफी बहुत फेमस है दोस्तों, यानी कि बी। उसके बाद आप देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, कोलंबिया यानी कि ए, और सबसे कम इंडोनेशिया यानी कि टी। तो आंसर होना चाहिए CBAD जो कि है टी। तो आंसर है टी, बहुत ही बेहतरीन। 26वां प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों भाई, कौन सा डेजर्ट कौन से देश में नहीं है? सोनोरन अमेरिका, ठीक है भाई कोई इशू नहीं है यहां पर। तकलमकान चीन, बिल्कुल ठीक बात है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, बिल्कुल ठीक है। गिब्सन ब्राजील में नहीं है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो आंसर होना चाहिए टी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो जो पैम्पास नाम के घास के मैदान हैं वो आपको किस देश में देखने को मिलते हैं? देखो अर्जेंटीना में मिलते हैं। एक प्रकार के ये समशीतोष्ण घास के मैदान है, यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, कोल्ड ग्रासलैंड्स हैं जो आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलते हैं। ब्राजील में आपको देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे मित्रों कैंपोस, जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। आगे चढ़ते हैं 28वां प्रश्न। तो जो वेजिटेशन है यानी कि जो वनस्पति है वो जलवायु का सही सूचक है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? और ये स्टेटमेंट दी थी कोइप्पन ने, और तभी आपको पता है इन्होंने क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन, जलवायु की वर्गीकरण भी किया था। 29वां प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचे वॉटरफॉल इन चार में से कौन से हैं? तो आंसर है बी, कुंचिकल फॉल। ये आपको मेघालय में मिलते हैं दोस्तों, सबसे ऊंचे हैं। इसके बाद भाई ये बताइए दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेबिलियन एंड इट्स रिस्पेक्टिव ईयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो देखो दोस्तों, जो अहोम रेबिलियन हुआ था वो 1815 में नहीं हुआ था, 1900 कुछ में हुआ था। तो आंसर ये होना चाहिए डी। आगे बढ़ते हैं, अभिनव भारत सोसाइटी के ऊपर प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों, इनमें से किस लीडर ने अभिनव भारत सोसाइटी बनाई थी? तो दोस्तों देखो, भगत सिंह है पंजाबी, विनायक दामोदर सावरकर जो है ये मराठी थे, और अभिनव भारत सोसाइटी यहीं पर बनी थी। तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए बी, आंसर होना चाहिए बी। और ये दोनों हैं बंगाली, तो आप देख लो एथनिसिटी से या पता लगा सकते हो। 32वां प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत ही आसान चीज है, हंटर कमीशन,
सैडलर कमीशन, वुड्स कमीशन और सार्जेंट प्लान, ये सभी के सभी एजुकेशनल कमीशन से जुड़े हुए हैं जो भारत में एजुकेशन है। और सही उत्तर है डी, यानी कि सबसे पहले वुड्स डिस्पैच आया था अबाउट 1832 में मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद हंटर कमीशन आई थी 10 साल बाद, उसके बाद सैडलर कमीशन आई थी 1950-60s में, और फिर सार्जेंट प्लान आया था मेरे प्यारे मित्रों 1904-5 में। तो ये है कहानी, आंसर होना चाहिए डी, सी ए बी डी, बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न 33वां, भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है वो सही से मिला नहीं है। आंसर है मेरे प्यारे मित्रों सी, रशकन रसिक प्रिया, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, दोबारा से आंसर है ए, अदीना मस्जिद मांडू में नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। भाई मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं दोस्तों कि बताइए अदीना मस्जिद कहां पर है, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है, बिल्कुल ठीक बात है मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल ठीक बात है। दाखिल दरवाजा गौर में है और तीन दरवाजा अहमदाबाद में है, दोस्तों ये मालदा में है। अदीना मस्जिद कहां पर है, मालदा, मालदा पश्चिम बंगाल, तो ये बात भी याद रखनी है। दोस्तों इनमें से कौन सी साइट ऐसी है जहां पर आपको मेरे प्यारे मित्रों पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के प्रूफ मिलते हैं, और दोस्तों ये आंसर होना चाहिए इसका सी, बगौर। कहां पर मिलते हैं, बगौर में मिलते हैं। भाई असर्शन है और रीजन दिया हुआ है, 1946 में मुस्लिम लीग विड्रू इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, मुस्लिम लीग ज्वाइंट द इंटर्म गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। तो अगर मैं इसका आंसर आपको बताऊं तो आंसर बी है, दोनों ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, पर ये इसको नहीं एक्सप्लेन करता क्यों मुस्लिम लीग ने क्यों विड्रॉ किया, क्योंकि वो एक अलग देश पाकिस्तान चाहते थे। तो अगला प्रश्न जो है वो ये है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है मेरे प्यारे मित्रों वो किस राजा के बारे में, वो किस राजा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आंसर है खरबेला, आंसर है ए, कलिंगा के राजा थे। दोस्तों एक तरफ आप देखोगे नाम है मंदिरों के, बृहदेश्वर टेंपल, सॉरी गंगाईकोंडा चोलापुरम टेंपल, शोर टेंपल महाबलीपुरम का, और सप्त पगोड़ा। आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले कौन सा बना था और बाद में कौन सा बना था मेरे प्यारे मित्रों। तो देखो आंसर है इसका डी, सबसे पहले बना था सप्त पगोड़ा, ये पुरानी चीजें हैं बुद्धिस्ट, तो बुद्धिज्म काफी पुराना है। उसके बाद महाबलीपुरम का शोर टेंपल बना था, उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों बृहदेश्वर टेंपल बना था, और उसके बाद आपका गंगाईकोंडा चोलापुरम बना था, ठीक। तो ये होगा आंसर होगा डी। 39th प्रश्न देखते हैं दोस्तों, टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वॉज सक्सेसफुल, भाई टर्किश इन्वेजन क्या भारत में सक्सेसफुल थी, देख लेते हैं। देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, देखो दोनों बिल्कुल ठीक है, असर्शन रीजन, जी हाँ दोस्तों, जब बैटल ऑफ टरेन यानी कि टरेन में जब युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान मेरे प्यारे मित्रों हार गए थे मोहम्मद भरी से, क्यों, क्योंकि कुछ भी यूनिटी नहीं थी। जो उनके ससुर जी थे जयचंद जी, जयपाल जी, जो भी उनका नाम था, वो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, यूनिटी थी, लड़ाई थी, राजपूतों में लड़ाई थी, हर जगह लड़ाइयां चल रही थी। दोस्तों इसके बाद आता है 40वां प्रश्न, शुक्ल यजुर्वेद संहिता, ये क्या आंसर है इसका, आंसर है मेरे प्यारे मित्रों वजा सायनी, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। भाई 10वां ब्रिक्स समिट 2018 में कहां हुआ था, ये रेलिवेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन हुआ था साउथ अफ्रीका में, ये बात याद रखनी है, पुराना करंट अफेयर है। मैग्सेसी अवार्ड किसको मिला है 2018 में, आंसर है भारत वातवानी और सोनम वांगचुक को। 43rd प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों, पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो 2018 में हुआ था, कौन प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। 44वां प्रश्न दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2018 में आप देखेंगे कितना था चावल का, धान का,
दोस्तों वो था 1750 रुपए प्रति क्विंटल। 45वां प्रश्न, जो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस है जो जनवरी 2019 में मनाया गया था वो कौन से शहर में मनाया गया था? वाराणसी में मना था, पर अब रेलिवेंट नहीं है भाई। जीपीआई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 कब हुआ था? 136 भारत की रैंक क्या थी भाई? इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च करी है कौन से शहर में? आंसर है दिल्ली के अंदर। कहां पर दोस्तों? दिल्ली के अंदर। आगे बात करते हैं दोस्तों, नीपा वायरस कहां पे हुआ था? केरला में हुआ था, सभी को पता है दोस्तों। 2018 में दोबारा से केसेस आए थे 2019-20 में भाई। यूनाइटेड नेशंस ई गवर्नमेंट इंडेक्स 2018 में भारत की रैंक क्या थी? 96th थी। कितनी थी? 96th। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगा मेरे प्यारे मित्रों, कौन से शहर से नहीं निकलेगा? आंसर है बस्ती से नहीं निकलेगा जी। दोस्तों आप देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टार्ट रामायण सर्किट? रामायण सर्किट कहां पे स्टार्ट हुआ था मेरे प्यारे मित्रों? नेपाल। नेपाल से लॉन्च किया गया था। सीतामणि, हाउ मेनी टीम पार्टिसिपेटेड इन फीफा? फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था रशिया में 2018 में। पुराना करंट अफेयर है तो कोई फायदा नहीं है याद करने का। 32 वैसे थी। 55वां प्रश्न दोस्तों, भाई यूनियन टेरिटरीज की कितनी सीट्स होती हैं लोकसभा में मेरे प्यारे मित्रों? आंसर है 20। आंसर है 20। 54th क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनाई गई थी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन से वर्ष में? आंसर है डी 2006 में दोस्तों। ये इंडिपेंडेंट बना दी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बट अबॉलिश्ड? आंसर है मेरे प्यारे मित्रों डी लेजिस्लेटिव काउंसिल। आंसर है डी लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप इसको डिसॉल्व कर सकते हो पर हटा नहीं सकते दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट डेट क्या है? किस दिन उनका लास्ट सेशन हुआ था? 24 जनवरी 1950। आखिरी बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद उन्होंने इंटर्म पार्लियामेंट की तरह काम किया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसको पारित कर दिया गया था, इंप्लीमेंट कर दिया गया था। वैसे कंप्लीशन हो गया, पर कुछ जो उसके क्लॉजेस थे वो 26 नवंबर को ही इंप्लीमेंट हो गए थे भाई। किसने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब लिखी है? नाम है संजय बारू जी। डी बहुत ही आसान प्रश्न था भाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम कौन था भाई? बताइए, पीआईएल के कौन थे पितामह? पी एन भगवती मेरे प्यारे मित्रों। आंसर है सी, पी एन भगवती जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड एज इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया बाय अशोक चंद्रा? प्लानिंग कमीशन जिसको हटा के नीति आयोग बनाया गया मेरे प्यारे मित्रों। 60वां प्रश्न, जो डीपीएसपी है आपके नीति निर्देशक तत्व तो सहज है, देख सकते हैं आप दोस्तों, वो किस प्रकार के हैं? वो सोशलिस्ट भी हैं उसमें कुछ, लिबरल इंटेलेक्चुअल भी हैं कुछ, और कुछ गांधियन भी हैं, जैसे कि मेरे प्यारे मित्रों जैसे कि पंचायत है ना, लिबरल इंटेलेक्चुअल जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, सोशलिस्ट जैसे कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आदि। तो आंसर है डी ऑल ऑफ दी अबव। 61st क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों भाई, इनमें से कौन सा ऊर्जा का स्रोत ऐसा है जिससे प्रदूषण नहीं होता? आंसर है मेरे प्यारे मित्रों बी सोलर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर पोल्यूशन, पेट्रोलियम से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कोल से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। 62वां, आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज? दोस्तों उनको मिला था थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बी रिलेटिविटी के लिए इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, ये बात याद रखना, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी भाई, इनमें से कौन से ग्रह पे शायद शायद जीवन मौजूद है? वैसे आंसर ए होना चाहिए था, क्योंकि इलॉन मस्क जो है मेरे प्यारे मित्रों वो मार्स को ही कोलोनाइज करने की बात कर रहे हैं, पर अभी ये बात बोली जा रही है कि शायद शुक्र के ऊपर, वीनस के ऊपर जो एटमोसफियर है उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स रह हैं, शायद हैं, पक्का नहीं है ना। वैसे आंसर ए है।
भाई विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या है? डी आंवला। भाई याद रखना आंवला बहुत ही बेहतरीन है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग ने लिखी दोस्तों, बेहतरीन साइंटिस्ट रहे अपने टाइम के। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावरफुल आई इरिटेंट इन स्मोक? आंसर है दोस्तों डी पेरोक्साइटाइल नाइट्रेट, ठीक है ना। डी साउंड विल हैव द हाइएस्ट वेलोसिटी। देखिए जो ध्वनि है उसकी गति डिपेंड करती है डेंसिटी पे। इस पे डिपेंड करती है मेरे प्यारे मित्रों डेंसिटी पे। डेंसिटी यानी कि घनत्वता। तो स्टील की घनत्वता सबसे ज्यादा है इसलिए स्टील में सबसे तेज गति होगी। ग्रेफीन क्या चीज है दोस्तों? जो ग्रेफीन है दोस्तों वो नैनो स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, एक 2D मॉडल होता है कार्बन का, काफी स्ट्रॉन्ग काफी अच्छी है। आने वाले टाइम में ग्रेफीन बहुत चीजों को रिप्लेस करेगी। भाई इनमें से कौन सी वेव्स ऐसी हैं, तरंगे ऐसी हैं जिनकी जो स्पीड है वो सबसे तेज होती है? वो है रोशनी। रोशनी जितनी स्पीड होती है किसी की नहीं होती। आंसर है लाइट। 70वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट सही है बताना है? भाई जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। भाई नेचुरल डिजास्टर कॉज मैक्सिमम डैमेज इन डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल ठीक बात है जी, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे भारत है, अगर एक त्रासदी जैसे कि साइक्लोन भारत में आता है और उसी गति का उसी इंटेंसिटी का साइक्लोन अमरीका में आता है तो भारत में ज्यादा जान माल का नुकसान होगा। भोपाल ट्रेजिडी वॉज मैन मेड, जी हाँ दोस्तों, आइसोसाइनाइड गैस। इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री कंट्री, ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं भाई। डेली अभी आज देख ली नैनीताल में बाढ़ आ रखी है। मैंग्रोव रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए आंसर होना चाहिए सी 1, 2 and 4। 71वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 2015? आंसर है चाइना, सेकेंड पे है US, तीसरे पे है इंडिया। मेरे प्यारे मित्रों याद रखना फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 72वां प्रश्न, उस जो पेन किलर दवाई है जिसकी वजह से जो हमारे गिद्ध हैं वो विलुप्त होने की कगार पर हैं, उसका नाम क्या है? डाइक्लोफिनैक। क्या नाम है? डाइक्लोफिनैक, ये बात याद रखनी है, जिनसे उनका रेनल फेलियर यानी कि किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी जो है खराब हो जाती है। इससे जब मवेशियों को आप ये दवाई देते हो और उन मवेशियों की लाश को वो गिद्ध खाते हैं तो उनका किडनी फेलियर हो जाता है, ठीक है। 73rd प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों, नेचुरल गैस के अंदर मुख्य तौर पे कौन सी गैस आपको देखने को मिलती है दोस्तों? आंसर है डी मीथेन CH4। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट मेरे प्यारे मित्रों क्या है बताइए? जो हमारा वैश्विक ताप है उसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है क्योंकि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और उसके जैसी दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है, है ना। नेक्स्ट, जो इंसिनरेटर होते हैं मेरे प्यारे मित्रों वो कहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं? देखिए इंसिनरेटर यानी कि जलाने के काम आते हैं। तो जब आप मेरे प्यारे मित्रों किसी चीज को जलाते हो, कूड़े को जलाते हो, तो उस कूड़े से आप यू नो बर्निंग द वेस्ट जो आप करते हो, कूड़े को जलाते हो मेरे प्यारे मित्रों, तो आप उससे ऊर्जा बना सकते हो, है ना। तो इंसिनरेटर के अंदर कूड़े को जलाया जाता है और उसे खाद भी बन जाती है। सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है इनमें से दोस्तों? आंसर है ए मरीन, बहुत स्टेबल है, बहुत बड़ा है। 77th नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मेरे प्यारे मित्रों कब सबसे पहली बार आया था? आंसर है 2008 में लॉन्च हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे सब प्लान है, नेशनल मिशन यू नो ऑन सोलर एनर्जी आदि। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज COP21 कहां पे हुई थी? पेरिस में हुई थी 2015 में दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, मोदी जी ने भी इसमें शिरकत करी थी। 79th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेसिबल लेवल ऑफ रस्टलिंग ऑफ ट्री लीव्स इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस? कितनी होती है साउंड? 20 डेसिबल। 80वां प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट? भाई सिल्क के लिए जी हाँ, हनी जी हाँ, मधुमक्खी, लैक जो है दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों लाख का कीड़ा होता है, पर दोस्तों एक मरीन एनिमल होता है आपने देखा होगा, इसको सी भी आप कभी कभी बोलते हो हिंदी में, है ना। तो आंसर है डी, आंसर है डी, ये आंसर है।
इनमें से कौन से परिस्थितिकी तंत्र में मेरे प्यारे मित्रों जैव विविधता सबसे ज्यादा अधिक है, यानी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी इनमें से कौन से इकोसिस्टम में हाईएस्ट है? आंसर है कोरल रीफ, जिनको हम समुद्र का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। 82वां प्रश्न, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी कि दोस्तों ऐसा प्रदूषक जो अपने अपने वास्तविक रूप में प्रदूषक नहीं है पर वातावरण में आने के बाद दूसरी चीजों से रिएक्ट करके प्रदूषण बनाता है। आंसर है मेरे प्यारे मित्रों स्मॉग। 83rd प्रश्न, UNDISA ने क्या बोला है दोस्तों इस बार? आंसर है डी 55%। 84th क्वेश्चन, ABC इंडेक्स अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किससे एसोसिएटेड है? एजुकेशन से। किससे दोस्तों? एजुकेशन से। ABC इंडेक्स एजुकेशन से एसोसिएटेड है। ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर कहां पर है मेरे प्यारे मित्रों? एम्स्टरडैम। कहां पर? एम्स्टरडैम में लोकेटेड है। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स कोड मेरे प्यारे मित्रों किससे रिलेटेड है? इनकम टैक्स से रिलेटेड है, सभी को बात पता होनी चाहिए। 87th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन लेंथ ऑफ रोड? भाई महाराष्ट्र के अलावा कोई और हो सकता है? 88th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट्स द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? बताइए दोस्तों, नीति आयोग का काम है, पहले प्लानिंग कमीशन का काम था। 89th, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 90वां प्रश्न, सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइसिंग पीपल कंफर्ट इन द प्रेजेंट इज अ डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? बताइए दोस्तों, आंसर है सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आंसर है सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई इन दोस्तों इनमें से क्या क्या, पहले चीज है क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर कर दो पृथ्वी पे। देखिए दोस्तों इसका उत्तर है, अगर मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले समुद्री जीव आने शुरू हुए, तो इनमें से समुद्री जीव सिर्फ ये हैं शेल्ड एनिमल, तो सबसे पहले तीन। उसके बाद सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों क्या आए बताइए? इंसेक्ट्स बनने शुरू हुए, कीड़े जमीन पे आए, कीड़ों से बने रेप्टाइल डायनासोर वगैरह, और फिर बाद में बने, सबसे बाद में बने स्तनधारी जीव। सबसे बाद में बने मेरे प्यारे मित्रों क्या? स्तनधारी जीव, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों 92nd क्वेश्चन आता है, 2011 सेंसस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन? आंसर है उत्तर प्रदेश के अलावा कोई और हो सकता है क्या? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां है, सबसे ज्यादा। 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो अर्बन भी और रूरल भी, यानी कि ग्रामीण भी और नागरिक भी, कहां पर है? आंसर है सी हरियाणा। 94th, आयोडीन सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों? चिले में, चिले जाना जाता है अपने आयोडीन के लिए। दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों एक तरफ लिस्ट वन है, एक तरफ लिस्ट टू है, जोड़ दो कौन से स्टेट में कौन सी पीक है। केरला के अंदर आपको देखने को मिलेगी अनाईमुडी, तमिलनाडु में मिलेगी डोडाबेटा, नागालैंड में मिलेगी सारामती, उत्तराखंड में मिलेगी गंदा देवी। आसान है प्रश्न, आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम एंड पेपर? सभी को पता होना चाहिए केरला है दोस्तों, सीधे सीधा प्रश्न जी। सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा, ये किस चीज की वैरायटी है? ग्रेप्स, यानी कि अंगूर। भाई उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो सबसे लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट 2011 सेंसस के हिसाब से कहां पर है? श्रावस्ती में। कहां पर? श्रावस्ती में। भाई पर काउ के हिसाब से मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन कौन से देश का है? आंसर है मेरे प्यारे मित्रों डेनमार्क। डेनमार्क बहुत फेमस है चीज वगैरह के लिए भी। वेस्टर्न घाट यानी कि शियादरीज में से मेरे प्यारे मित्रों पश्चिमी घाट में से कौन सी नदी नहीं निकलती? गोदावरी। जी हाँ,
त्र्यंबकेश्वर, कावेरी, ताल कावेरी, काबम, जी हाँ तापी निकलती है मेरे प्यारे मित्रों सतपुरा यानी कि मैकाल हिल्स में से, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है ना। तो आंसर होना चाहिए बी, आंसर है बी। 101वां प्रश्न, राजस्थान का जो थार डेजर्ट है वो बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे आंसर है सी, प्लिस्टोसीन से बढ़ रहा है भाई। वेंकटेश्वरा तिरुपति कहां पर लोकेटेड है, कौन सी पहाड़ियों में है, और दोस्तों इसका आंसर है डी, नन ऑफ दी अबव। 130वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज बायोलॉजिकल डिजास्टर ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, आंसर है बी भाई, गोमती नदी एकदम नारा लगती है अगर आपने देखा उसको रियलिटी में तो। 104वां प्रश्न भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, गुजरात, गुजरात देखा है कैसा लगता है देखने में, देखो ऐसे है तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात की, ये बात याद रखनी है मेरे प्यारे मित्रों। ग्लोबल विलेज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट से जुड़ा है भाई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इन सभी बादशाहों को लगाना है, कैसे लगाओगे बताएं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों इसका जो उत्तर है वो है बी, उत्तर है बी, यानी कि जहांदर शाह सबसे पहले थे, वैसे बहादुर शाह टू जो थे वो सबसे पहले आए थे, उसके बाद जहांदर शाह आए 1711-12 में, उसके बाद जहांदर शाह के बाद मेरे प्यारे मित्रों बी लिख देते हैं, उसके बाद आए मोहम्मद शाह रंगीला जिसको हम कहते थे, मोहम्मद शाह के बाद आए मेरे प्यारे मित्रों अहमद शाह, और फिर आलमगीर नंबर दो, और उनके आए बहादुर शाह जफर, है ना। तो आंसर है बी ए डी सी, आंसर है बी। 107वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, एक तरफ स्टेट दे रखी है और एक तरफ रूलर दे रखे हैं, बताओ आंसर। वरांगल के रामचंद्र देव नहीं थे, ये बात याद रखनी है, रेड्डीज थे वहां पे वरांगल में भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो दोस्तों इसका आंसर है डी, एक का है वन यानी कि सुरेंद्र शाही लीडरशिप थी संबलपुर में, गंजनम में मेरे प्यारे मित्रों लीडरशिप थी राधा कृष्ण सेना की, और कश्मीर में गुलाब सिंह थे और लखनऊ में लियाकत अली थे, बिल्कुल ठीक बात है जी। 109वां प्रश्न, खयार उल मंजिल जो मस्जिद है मेरे प्यारे मित्रों, जो पुराने किले के अपोजिट है, वो किसने बनवाई थी, वो बनवाई थी महम अंगा, अकबर की फॉस्टर मदर, है ना। 110 मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू, दोस्तों मराठा किस चीज के लिए लड़ रहे थे मुगलों से, आंसर है सरदेश मुखी, सरदेश मुखी, ठीक है ना। टेक्स्ट का 10वां हिस्सा, चलका जो ये शब्द है ये किस चीज से रिलेटेड है, दोस्तों सुभा और प्रगना के बीच में जो छोटा जगह होती थी तो होती थी उसको। 112वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट टू अश्वमेधा यजनास परफॉर्म्ड बाय द किंग पुष्यमित्र सुंगा, आंसर है मेरे प्यारे मित्रों सी, अयोध्या इंस्क्रिप्शन बात करते हैं पुष्यमित्र सुंगा की, जिन्होंने मौर्यन वंश को खत्म किया। तो यहां पर आप देखेंगे एक तरफ असर्शन है एक तरफ प्रिंसन है। मैनी संस्कृत वर्क्स ऑन म्यूजिक वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, बिल्कुल ठीक बात है जी। द अर्ली चिश्ती सूफीज वर फाउंड ऑफ म्यूजिकल असेंबलीज फॉर समाज, यहां पर मेरे प्यारे मित्रों ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये दोनों ठीक है पर ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस बिलोंग टू फॉरेन ट्रेड, बताइए सीरनी मनीग्राम, फॉरेन ट्रेड के लिए मनीग्राम, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर रिलेटेड टू इंडस वैली आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, दोस्तों जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसके कौन से साइट्स उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, इनमें से आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है और हुल्लास जो है वो भी उत्तर प्रदेश में है, और इसलिए जो उत्तर है वो है दोस्तों क्या बताइए, 3 और 4 यानी कि डी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न 116वां, एक तरफ दोस्तों समुद्र गुप्ता के साथ के जो कंटेम्प्रेरी किंग है वो दिए रखे हैं, और एक तरफ उनके किंगडमों के नाम दिए हुए हैं, आंसर बता दो फटाफट से, आंसर है सी मेरे प्यारे मित्रों। जो धनंजय जी हैं दोस्तों वो रूल कर रहे थे पुस्तलपुर, नील राज रूल कर रहे थे अवमुक्त,
अग्रसेन जी थे कहां पर, पलक्का में, और विष्णु गोपा थे कांची में, ये बात याद रखनी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो किम जोंग उन से मिले 2018 में, कौन से देश में मिले थे दोस्तों, आंसर है सिंगापुर। पुराना करंट अफेयर है, छोड़ दो आगे बढ़ो, 2018 की रिपोर्ट थी साइंस, इसको भी आपको नहीं पढ़ना, आंसर वैसे डी है, पुराना करंट अफेयर है, छोड़ दो भाई। 2018 में जो सफर है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, वो किसने इनॉग्रेट किया था, यह भी पुराना प्रश्न है, हर्षवर्धन जी ने किया था, उस टाइम में मिनिस्टर थे वो हेल्थ के और साइंस के भाई। एनआरसी 2018 में विच द फॉलोइंग स्टेट मोर देन 40 लाख इलीगल माइग्रेंट कहां पर थे मेरे प्यारे मित्रों, असम में थे, असम में इतने ज्यादा इलीगल माइग्रेंट हैं, बहुत दिक्कत है वहां पर। पनामा पेपर पुरानी न्यूज है मेरे प्यारे मित्रों, उसके चक्कर में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनको नीचे आना पड़ा है ना करप्शन के चार्जेस पे। एंड्रीज मैनुअल लोपेस ओब्रेडोर जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्टेड है जुलाई 2018 में, कौन से देश के, आंसर है सी मेक्सिको के हैं, वो कहाँ के हैं, वो मेक्सिको भाई। ब्रह्मोस किसने बनाया है, भारत और रूस ने, मॉस्कोवा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है ना। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी वॉज रिलेटेड टू सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ये बात याद रखनी है दोस्तों। 125वां प्रश्न, मैरीकॉम सितंबर 2018 किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई, BSNL, पुराना करंट अफेयर है तो छोड़ दो प्रश्न को। दिहिंग एक्सप्रेस किसके बीच में है, कौन से दो जगहों के बीच में है, हिमा दास का मेरे प्यारे मित्रों, ये क्या है, क्या है ये उनका निकनेम है भाई। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिडिक्यूल्ड कांग्रेस फॉर रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल, भाई निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल ऐसा था जिन्होंने ये बात बोली कि कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का ही प्रतिनिधित्व करता है, करती है, आंसर है लॉर्ड केफ्रिन ने ये बात बोली थी मेरे प्यारे मित्रों। 128वां प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों, कितने दिनों बाद एक एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है अगर उन्होंने पार्लियामेंट में कोई भी सेशन अटेंड नहीं किया, आंसर है 60 दिन, आंसर है मेरे प्यारे मित्रों 60 दिन। पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि 50% प्लस मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग भाई। द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप आर प्रोवाइडेड इन विच पार्ट, पार्ट टू है भाई है ना, पार्ट वन में आर्टिकल 104 है, सिटीजनशिप में आर्टिकल 5 से 11 है। 131वां प्रश्न दोस्तों, काउंसिल ऑफ स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर दीजिए सी रिकमेंडेशन द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, आंसर है ग्रेट ब्रिटेन ए। 133वां प्रश्न दोस्तों, आंसर है डी सेंटर स्टेट रिलेशन, सरकार के मिशन से रिलेटेड ऐसे सीधा प्रश्न दोस्तों। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी कौन सी है, आंसर डी है नीति आयोग है, सीधा सीधा प्रश्न है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, आंसर दोबारा से है सी आंध्र प्रदेश, सबसे पहली बार बनाई गई थी दोस्तों। आप सभी को पता है कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे जिन्होंने व्रत रखा था है ना, फास्टिंग करी थी, सत्याग्रह किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी भाई। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, अरविंद बनर्गिया, ये बात याद रखनी है आपको भाई। 2017 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन था यूपीए का, मीरा कुमार, ठीक है ना। 138, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी इन दैट ऑर्डर, हमारे प्रीएम्बल में किस ऑर्डर में ये दिए गए हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले दिया गया है लिबर्टी, फिर दिया गया है सबसे पहले दिया हुआ है इक्वालिटी, फिर दिया गया है सबसे पहले, जी हाँ। तो यहाँ पर थोड़ा ना इशू ये है दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों कि हाँ अच्छा ये पूछा कितने टाइप के दिए हैं, तो जस्टिस जो है आप देखोगे वो 3 प्रकार के हैं है ना, इकोनॉमिक सोशल, ठीक है, उसके बाद लिबर्टी वो 5 तरह की है, फेटर्निटी
दो तरह की, और मेरे प्यार इक्वालिटी दो तरह की, और फ्रेटर्निटी फिर एक तरह की. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन है, सीधा सीधा आंसर है, और सभी के सभी मेटल है, सिर्फ सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है, है ना. नेक्स्ट, मीथेन इज एमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? मीथेन कहां से निकलती है दोस्तों? दोनों ए और बी से, यानी कि दीमकों के बम्बी से भी और धान के खेतों से भी. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द मैक्सिमम एनर्जी? एक्सरे. लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट एनर्जी. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉज गिवन बाय हूम? आंसर है दोस्तों वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, मेरे प्यारे मित्रों वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉज इन्वेंटेड बाय विलहेम रोएंटजेन? आंसर है पी, एक्सरे मशीन. जेबी नारलीकर मेरे प्यारे मित्रों किससे रिलेटेड है? आंसर है एस्ट्रोलॉजी. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सिंपलीपाल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ये कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है. कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है. 146. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आंसर है डी, ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में नहीं है. पहले ही क्वेश्चन ये आ गया था दोस्तों, ओजोन लेयर कहां पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि मेरे प्यारे मित्रों समताप मंडल में. 147 प्रश्न, नॉर्मन बोरलॉग वॉज गिवन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? ऑब्वियसली एग्री इसमें प्लीज, ठीक है ना. नेक्स्ट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर है सी, O3. देखो ओजोनोस्फीयर में ऑक्सीजन जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में आता है तो वो एक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन और मेरे प्यारे मित्रों में बदल जाता है. अभी नेसेंट ऑक्सीजन दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में और O3 बनाता है मेरे प्यारे मित्रों. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी? आंसर है बी, बोटैनिकल गार्डन. एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी एंड सेवरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग? ऑल ऑफ द अबव. आंसर है डी मेरे प्यारे मित्रों. इसी के साथ आपका पेपर आज समाप्त होता है दोस्तों. कल मिलूंगा आपसे मैं 2017 का पेपर लेकर. नमस्कार.